गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज मैं आपको क्लास सेकंड का लेसन थर्ड मी एंड माय फैमिली करवाऊंगी. इसका पूरा बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर सब चीज़ कल मैंने लेसन आपको पढ़ा दिया था. ठीक है, आज आपका बुक वर्क, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करा दूंगी. पहला है आपका बुक वर्क. ठीक है, बुक वर्क में आपके फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पुट अ टिक एंड टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. सही क्वेश्चन पे निशान लगाइए. पहला क्वेश्चन आपका है माई अंकल सन इज माई. जो हमारे अंकल के बच्चे हैं वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे क्या लगेंगे, सिबलिंग, कजन या आंट. तो हमारे क्या लगेंगे, वो कजन्स. फिर नेक्स्ट है आपका इट इज अ स्मॉल जॉइंट फैमिली. स्मॉल जॉइंट फैमिली हमारी कौन सी हुई, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड कजन्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. हमारे जो स्मॉल जॉइंट हुई थी, मैंने कल आपको बताया था कि हमारी कितनी फैमिली होती है, दो फैमिली होती है, एक तो न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स और हम आ जाते हैं. ठीक है, बच्चे. और हमारे जॉइंट फैमिली में भी दो पार्ट हो जाते हैं, स्मॉल जॉइंट और बिग जॉइंट. ठीक है, स्मॉल जॉइंट में हमारे आ जाते हैं दादा दादी. ठीक है, और हमारे पेरेंट्स और हम. और हमारी जो बिग जॉइंट होती है उसमें आ जाते हैं हमारे दादा दादी, चाचा ताऊ. ठीक है, और उनके बच्चे, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, बिग जॉइंट फैमिली में. तो अब आपको इसमें यही बताना है कि जिस हमारी स्मॉल जॉइंट फैमिली कौन सी हो. तो स्मॉल जॉइंट फैमिली जैसे मैंने अभी बताई थी, इसमें कौन से हो, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी माई फादर सन इज माई. जो मेरे पापा के लड़के हैं वो मेरे क्या लगे, ब्रदर. नाइस, ब्रदर या सिस्टर, तो क्या लगेंगे, मेरे ब्रदर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी पार्ट. गिवन ब्लो आर सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रीराइट देयर करेक्टली. कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जो गलत है, आपको उसे सही करके दोबारे लिखनी है. फर्स्ट है आपकी माय मदर्स हस्बैंड इज माय अंकल. जो मेरे मम्मी की हस्बैंड है वो मेरे अंकल लगेंगे, नहीं. माय मदर हस्बैंड इज माय फादर. माय मदर हस्बैंड इज माय फादर. मेरे पापा के हस्बैंड क्या लगेंगे, मेरी मम्मी के हस्बैंड क्या लगेंगे, मेरे पापा. ठीक है, माय अंकल्स वाइफ इज माय ग्रैंड मदर. नो, माय अंकल्स वाइफ इज माय आंट. मेरे अंकल की पत्नी क्या लगी, मेरी आंटी. ठीक है, माय फादर्स मदर इज माय ग्रैंड फादर. नो, माय फादर मदर इज माय ग्रैंड मदर. मेरे पापा की मम्मी क्या लगी, मेरी ग्रैंड मदर लगी. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है अब वर्ड मीनिंग. अब क्या आ गए आपके वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग में देखिए क्या दे रखा है. पहला आपका है टुगेदर. टुगेदर मतलब होता है साथ में. न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब होता है एकल. मेंबर, मेंबर मतलब होता है सदस्य. ज्वाइंट, ज्वाइंट माने होता है संयुक्त. डिफरेंट, डिफरेंट मतलब विभिन्न. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब संबंध. स्पेशल, स्पेशल मीन्स विशेष. सिंगल, सिंगल मीन्स अकेला. एडोप्टेड, एडोप्टेड मीन्स गोद लिया. ऑर्फिनेज, ऑर्फिनेज का मतलब क्या होता है, अनाथालय. ट्रीट, ट्रीट मतलब इलाज. प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित. स्पेंड, स्पेंड मतलब बिताना. जॉय, जॉय मतलब खुशी या फिर हर्ष. सोरो, सोरो मतलब शोक या फिर दुख. फिर है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स उत्सव बनाना. ठीक है, फिर है फंक्शन, फंक्शन मतलब समारोह. फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार. हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता. ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य. ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाते हैं. अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, लेसन थर्ड के क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज अ फैमिली. फैमिली क्या होती है. पीपल हु लिव्स विद अस इन आवर हाउस आर अवर फैमिली. जो हमारे साथ हमारे घर में एक साथ रहते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी फैमिली कहलाती है. बट इज अ लार्ज ज्वाइंट फैमिली. जैसे मैंने बताया था फैमिली के कितने पार्ट होते हैं, टू. एक न्यूक्लियर होता है और एक ज्वाइंट होती है. और ज्वाइंट के भी हमारे टू पार्ट होते हैं, एक होती है स्मॉल ज्वाइंट और एक होती है हमारी लार्ज ज्वाइंट फैमिली. ठीक है, तो अब इसमें पूछा है वट इज अ लार्ज ज्वाइंट फैमिली. ए लार्ज ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंटीज, चिल्ड्रन एंड कजन्स. लार्ज ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, अंकल आंटी मतलब चाचा चाची आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं मतलब हम लोग आ जाते हैं, और हमारे कजन्स मतलब चाचा ताऊ के बच्चे. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर योर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटेड टू यू? हम अपने पापा के भाई बहन को, पापा मम्मी के भाई बहन को कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, किस क्या रिलेट करेंगे, क्या बोलेंगे उन्हें? आवर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर आर आवर अंकल एंड आंट. हमारे पापा के भाई, पापा मम्मी के भाई बहन हमारे क्या कहलाए? अंकल और आंट. ठीक है, ये हमारे पापा मम्मी के भाई बहन कहलाए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आपका, व्हाट डू यू डू टू हेल्प योर फैमिली मेंबर? आप अपने फैमिली मेंबर की कैसे सहायता करेंगे? ठीक है, इट इज अवर ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर. ये पहले तो हमारी ड्यूटी होती है कि हमें अपनी फैमिली मेंबर की, मतलब हर किसी भी तरह का काम हो उसमें हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, हमें कैसे ना कैसे उनकी हेल्प करनी चाहिए. ये हमारा कर्तव्य होता है. क्या होता है? कर्तव्य होता है. एंड लुक आफ्टर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, उनके बाद भी हमें देखना चाहिए और उनके साथ भी हमें देखना चाहिए. ठीक है, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी हमें हेल्प करनी चाहिए, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना. तो ये हमारी ड्यूटी होती है एक फैमिली के प्रति. फिर नेक्स्ट आपका ये आ जाता है आपका होमवर्क. आपको क्या करना है, बहुत इजी होमवर्क है. ड्रॉ अ फैमिली ट्री, आपको फैमिली ट्री बनाना है ऑफ एक्सटेंड फैमिली मेंबर्स ऑन एन ए फोर साइज शीट एंड टेल अबाउट देम टू और थ्री लाइन. आपको एक फैमिली चार्ट बनाना है, उसमें अपनी फैमिली को दर्ज दिखाना है और उनके ऊपर दो या तीन लाइन लिखनी है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. थैंक यू. आपका लेसन थर्ड मी एंड माई फैमिली का कम्प्लीट होता है आज. बुक वर्क, वर्ड मीनिंग, सब कुछ, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, पढ़ा मैंने पहले दिया था, आज कम्प्लीट कर दिया. थैंक यू.